नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार अपडेट को लेकर क्या बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों दिल्ली NCR समेत देश भर के 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी अगले 72 घंटों में मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, मौसम समाचार अपडेट को लेकर पूरी खबर जानेंगे कहाँ पर कितनी बारिश होगी और कहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप अपने गाँव और शहर का नाम, ताकि हम आपके गाँव और शहर का मौसम समाचार अपडेट भी आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों उत्तराखंड के लिए 3 दिन पड़ेंगे भारी, यूपी महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, मुंबई में रुक रुक कर हो रही है बारिश और बारिश के बीच ही भारतीय मौसम विभाग के पूर्वी और पश्चिमी यूपी और कर्नाटक के तटीय इलाकों हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी और वो लगातार जारी है। और वहीं दोस्तों मौसम विभाग के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा झारखंड और ओडिशा में भी गरज चमक के साथ आधी तूफान की भविष्यवाणी की गई है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के द्वारा पूरे देश में काफी जगह पर हाई अलर्ट भारी चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों कई इलाकों में अभी भी बारिश नहीं हुई है, जहां पर आने वाले कुछ 2 से 4 दिनों के अंदर ही अच्छी बारिश होगी। वहीं दोस्तों मौसम विभाग ने उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत तथा पिथौरागढ़ तथा चमोली, टेहरी, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून, हरिद्वार के जिलों में 11, 12 व 13 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि दिल्ली NCR के साथ ही कई इलाकों में बारिश होगी और उसके बाद मौसम जो है अवकाश ले लेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देश के 13 राज्यों में तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और वहाँ पर भारी बारिश का अनुमान रहेगा। वहीं दोस्तों तथा कहा गया है कि मध्य सागर और पूर्व मध्य सागर बंगाल की खाड़ी से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं की गति के कारण ऊंची लहरें भी उठेंगी। वहीं बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और राज्य के कई हिस्सों में देर रात से बारिश जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। और दोस्तों देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। और इसी बीच मौसम विभाग ने सभी को चेतावनी हाई अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पर बाढ़ के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले 24 घंटों में अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश और हुई तो कई जिलों में जलभराव और जलमग्न हो जाए। वहीं प्रशासन की सहायता से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जा रहा है। वहीं स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और अघोषित अवकाश का ऐलान किया गया है। आने वाले 24 से 48 घंटों में देश के हमें अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी और जहां पर बारिश का अभी इंतजार है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई लोगों को और राजस्थान के कई लोगों को जहां पर बारिश का इंतजार है, वहां पर भी अगले 24 से 48 घंटों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं कई समुद्री इलाके हैं वहां पर जहां पर ज्यादा बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है। यानी दोस्तों आने वाले 2 से 3 दिनों में हमें पूरे भारत में मौसम जो है अच्छा देखने को मिलेगा और लगभग राज्यों में मौसम जो है अभी सुहाना हो गया है और वहां पर उमस भी कम हुई है। तो दोस्तों मौसम समाचार अपडेट में बस इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मौसम समाचार अपडेट अच्छे लगे हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही मौसम समाचार अपडेट की जानकारी आगे भी प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मौसम